एमसीडी में मेयर की जंग। आप बोली 100 करोड़ में 10 पार्षद खरीदना चाहती है बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद मेयर किस पार्टी का होगा, इसको लेकर जंग काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कुछ पार्षदों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। मेयर बनाने के लिए वह कैमरे पर दावा कर रही है और इसके लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसे का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय खोया पार्टी कहा और कहा कि बीजेपी की 30 सीट कम आई है। इसके बावजूद बीजेपी गंदे खेल पर उतर आई है। जैसे दूसरे राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी करती है, वही फॉर्मूला उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है। एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षदों को प्रलोभन देने और धमकाने का काम दिल्ली में बीजेपी ने शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि आपके पार्षद बीजेपी के इस खेल को उजागर करते रहेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजें जो पार्षदों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के पास बीजेपी ने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, उनमें वार्ड 88 से डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा, वार्ड 166 से अरुण नवारिया और वार्ड 207 से ज्योति हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। वार्ड 207 से ज्योति के पति सुभाष ने आरोप लगाया कि उन लोगों को अप्रोच किया गया है, धमकाया गया। एक शख्स ने कहा कि आदेश गुप्ता बात करेंगे और आदेश गुप्ता और बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ का बजट का जिक्र किया है कि एमसीडी में खरीद फरोख्त के लिए 100 करोड़ का बजट है और एक पार्षद खरीदने के लिए 10 करोड़ का बजट फिक्स किया गया है। इसके अलावा रोनाक्षी के पिता पिंटू शर्मा ने आरोप लगाया कि गुरुवार को उनको फोन आया, योगेंद्र चंदोलिया का फोन आया कि आदेश गुप्ता जी बात करेंगे, ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि 10 काउंसलर इकट्ठा करने हैं, 2 करोड़ मिलेंगे, मोल भाव करने पर 10 करोड़ का बजट बताया। हमने कहा कि वो पैसे से नहीं बिकेंगे, केजरीवाल के सिपाही हैं। इसके अलावा वार्ड 166 से पार्षद अरुण नवारिया ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनके साथ के लोगों को धमकाया जा रहा है और कहा गया है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।